हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता माहेश्वरी फ्रॉम आदर शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। बच्चों आइए आपकी जीके की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 15 तक रिवीजन कर लिया था, आज हम चैप्टर 16 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 16 दैट इज पिक द ऑड वन आउट। ऑड होता है जैसे आपको मान लो कोई भी चार पांच चीजें एक सी दे दी और उनमें से एक अलग सी चीज है, तो वो हमारी क्या हो गई? ऑड हो गई। ठीक है, जैसे मैंने आपको फोर पेंसिल दे दी और एक इरेजर दे दी, तो एक और साथ में एक क्या दे दी? बॉल दे दी। तो इसमें बताओ ऑड कौन सी है, पेंसिल, इरेजर या बॉल? यस, बॉल, क्योंकि पेंसिल इरेजर के साथ बॉल का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखो आपको इमेजेस दी हुई हैं, इन इमेज में जो भी ऑड है उस पे हमने यहाँ पर टिक लगाया हुआ है। ठीक है, जैसे एप्पल, बनाना, कैरट, पाइनएप्पल। अब इसमें ऑड क्या है? कैरट, क्योंकि ये तीनों तो कौन है? फ्रूट्स हैं और ये है वेजिटेबल। तो बच्चों आपको जो पेपर में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपको इमेज दी जाए, है ना। जैसे आपको यहाँ पर इमेजेस दी हुई है तो जरूरी नहीं है पेपर में आपको इमेज दे, हो सकता है कोई भी फोर नाम दे दें। ठीक है, उन नाम में से आपको ऑड नाम जो है वो चूज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, कार, तो इसमें ऑड क्या है? कार। तो यहाँ पर आपने इमेज को देख के कराए, वहां आप वर्ड्स को देखकर उसमें से ऑड वन को सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये चैप्टर है, आप अच्छे से देख लेंगे एक बार। उसके बाद चैप्टर 17 दैट इज वी प्रे टू गॉड। हम गॉड से प्रे करते हैं ना, सभी लोग प्रे करते हैं। ठीक, वी प्रे टू गॉड इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप। पूजा करने हम एक प्लेस पे जाते हैं, है ना। रीड द गिवन हिंट्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप। सबकी पूजा करने की जो जगह होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, लाइक जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चार होते हैं, तो वो उनके अलग अलग होते हैं। जो हिंदूज होते हैं वो वर्शिप, वो पूजा करने कहाँ जाते हैं? टेम्पल। मुस्लिम्स जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? मॉस्क्यू। सिख जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं बच्चों? गुरुद्वारा। और क्रिश्चियन, चर्च। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चारों के नेम पता होने चाहिए। आपसे ये पूछ लें कि टेम्पल में कौन जाते हैं तो हिंदूज जाते हैं। ठीक है, मॉस्क्यू में कौन जाते हैं तो मुस्लिम जाते हैं। या आपसे ये पूछ लें सिख कहाँ जाते हैं तो गुरुद्वारे में जाते हैं। क्रिश्चियन अपनी प्रेयर कहाँ करते हैं तो चर्च में करते हैं। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 18 दैट इज ऑलवेज हेल्पफुल। यहाँ पर वही हेल्पर्स के नेम दिए हैं। हमने एक चैप्टर 15 पढ़ा था उसमें भी हेल्पर्स के नेम थे, ये भी हेल्पर्स के नेम है यहाँ पर भी। जैसे डॉक्टर, बार्बर, प्लम्बर, कॉबलर, टेलर, टीचर, पुलिसमैन, पोस्टमैन, ये सभी हमारी अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं। ठीक है ना, जैसे डॉक्टर है, हम बीमार हो जाते हैं तो हमें कौन ट्रीट करता है? डॉक्टर। हमारे हेयर कट कौन करता है? बार्बर। ठीक है, तो इस तरीके से सबके अलग अलग वर्क है, तो ये हमें पता होना चाहिए। हम एक बार रीड कर लेंगे, जैसे हमारे शूज ठीक कौन कर रहा है? कॉबलर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको एक बार पढ़ लेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर 19 स्टार्ट होता है, दैट इज आवर नेशनल सिंबल्स। ठीक है, नेशनल सिंबल्स है ये हमारे, नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर। तो आप सभी को पता है ना, आप सभी ने नेम भी लिख रखे हैं, तो आप इमेजेस भी देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो इनको एक बार रीड कर लेना बच्चों, चैप्टर 19 को, इनके नेम भी लर्न कर लेना कि हमारा एनिमल कौन सा है, ये हमारे बर्ड कौन सी है, फ्लावर कौन सा है, फ्लैग कौन सा है, फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 19 हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर 20 दैट इज लेट अस ट्रैवल। ट्रैवलिंग इज अ रियली अ फन। गिवन ब्लो आर सम पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स ऑफ आवर कंट्री, कैन यू मैच देम टू देयर सिटी। यहाँ पर जो पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी यहाँ पर आपको इमेजेस दी हुई हैं और उनके नेम दिए हुए हैं, उनको उनकी सिटी से कि कौन सा मॉन्यूमेंट कहाँ पर है उस सिटी से हमें मैच करना है। तो देखो नंबर 1 पर दिया है ताजमहल,
ताजमहल कहाँ पर है बच्चों? यस, आगरा। नंबर टू, लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल कहाँ है हमारा? न्यू दिल्ली। नंबर थ्री, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है बच्चों? मुंबई। नंबर फोर, चार मीनार। चार मीनार कहाँ है हमारे? हैदराबाद। नंबर फाइव, इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ है? न्यू दिल्ली। और हवा महल, जयपुर। ठीक है, तो हमें सबके नेम के अकॉर्डिंग उनकी सिटी के नेम भी हमें पता होने चाहिए। देखो यहाँ पर नीचे भी दिया हुआ, जयपुर इज नोन एज द पिंक सिटी। जयपुर जो है वो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन गया, अगर आपसे पूछे कि पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है तो कौन है? जयपुर। ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर 20 कंप्लीट हो गया। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।